हाय गाइस, मैं रंजना सीजन पार्लर से आज मैं आपके लेके आई हूँ कि मेकअप पिगमेंटेशन फेस पे कैसे मेकअप करते हैं। गाइस, हर कोई तो एकदम गोरी चिट्टी स्किन ऐसे लेके आते हैं, एकदम फेयर स्किन पे मेकअप करके दिखाते हैं, पर मैंने ये ऐसे स्किन को चूज़ किया है मेकअप करने के लिए। तो गाइस, स्टार्ट करती हूँ मैं अपना वीडियो। अब मेरा ये आफ्टर और बिफोर आप देख सकते हैं गाइस, और इस पर मैंने ये मेकअप आपका गर्मियों के लिए बहुत अच्छा है गाइस। ये मेकअप ग्रे नहीं होगा, वाटरप्रूफ मेकअप है गाइस, तो देख सकते हैं। मैंने पहले क्लाइंट को गुलाब जल से क्लीन किया है स्किन का। गुलाब जल से स्किन करने के बाद मैंने स्प्रे किया है फिक्सर स्प्रे मेकअप का। उसके बाद मैंने मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है। मॉइस्चर के बाद मैंने 30 सेकंड के बाद मैंने प्राइमर यूज़ किया है, जेल बेस प्राइमर। इसके बाद मैंने कंसीलर यूज़ किया है गाइस, फॉरएवर 52 का क्लाइंट को जहाँ पे पिगमेंटेशन है उतनी देर पे पूरा, और पिगमेंटेशन आई थिंक ऑल ओवर फेस पे है इनके गाइस, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है। मेकअप स्प्रे मैंने इसलिए किया फिक्सर स्प्रे कि क्लाइंट का फेस ऑयली भी है गाइज, और गर्मी का टाइम है, तो अब देखना मैंने जगह जगह पे मेकअप फिक्सर लगाया हुआ है। इसके बाद मैंने ब्लेंड किया है ब्लेंडर से हल्के हाथों से गाइज। इसके बाद मैंने कंसीलर लगाया है, इनके स्किन टोन से लाइट स्किन टोन मैंने यूज़ किया है न्यूट्रलाइज करने के लिए। जो कंसीलर मैंने कलर करेक्टर यूज़ किया था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने ये कंसीलर लगाया है। उसके बाद मैंने टैबिंग की है, गाइज ये वीडियो थोड़ी लंबी बनी है क्योंकि मुझे इसमें पूरा डिटेल में बताना था, तो वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखें। इसके बाद मैंने नेक पे भी यूज़ किया है। इसके बाद मैंने फाउंडेशन एप्लीकेशन किया है। इस पे मैक और मैक का फाउंडेशन है और फॉरएवर 52 का फाउंडेशन मैंने दोनों मर्ज करके लगाया है क्लाइंट को। क्लाइंट के नेक पे भी लगाना था मुझे, नहीं तो फिर फेस अलग दिखता और नेक अलग दिखता गाइस, तो फिर मैंने नेक पे भी यूज़ किया है। हर किसी को सुंदर बनना होता है, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। मैंने हमेशा बोला है हर किसी की ख्वाहिश होती है यार, कोई भी होने दो, चाहे महल का होने दो, चाहे वो झोपड़पट्टी का होने दो, पर अच्छा लगता है जब हम मेकअप करते हैं, हमें कॉन्फिडेंस आता है। इसके बाद मैंने एकदम लाइट कंसीलर यूज़ किया हुआ है। क्लाइंट के फेस को हाईलाइट करने के लिए गाइज, आप मेरे वीडियो को देखते हैं पर लाइक नहीं करते, तो आप लाइक भी कर दीजिए और एक रेड कलर के बटन से सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ये हम सबका चैनल है गाइज, बहुत मेहनत से बनाती हूँ मैं ये वीडियो सब। इसके बाद मैंने सेटिंग पाउडर यूज़ किया हुआ है, मतलब लूज पाउडर, थैंक यू फेस पे। फिर कंटूर किया है मैंने ईयर के ऊपर से, आप देख सकते हैं मैंने कंटूर किया है। फिर चिन एरिया के सेट को मैंने कंटूर किया है, फिर फोरहेड पे, फिर
फिर नोज पे एकदम पतले से आपको लगाना है, एकदम ब्रॉड करके नहीं लगाना है, नोज के ब्रिज एरिया पे साइड से। मैंने ये पाउडर साइड में इसलिए लगाया है लूज पाउडर कि फेस हाईलाइट हो, जो आपका चिक्स है वो हाईलाइट होके दिखे। इसके बाद मैं ब्लेंड कर रही हूँ ब्रश से, चिन एरिया को नीचे साइड में ब्लेंड करना है, कॉन्टूर को चिक्स के ऊपर साइड में करना है। देख रहे हैं, मैं बहुत हल्के हाथों से ब्लेंड कर रही हूँ कि फाउंडेशन के बाद फेस जो है ना एकदम फ्लैट हो जाता है, तो आपको कंटूर करना बहुत ज़रूरी होता है। गाइज, जैसे मैंने कहा, हर कोई एकदम फेयर स्किन को, ऐसे स्किन को मेकअप करता है दिखाने के लिए, बट मैंने इसमें ऐसा नहीं किया है। मैंने चैलेंजिंग वाली स्किन ली है करने के लिए और आपके सामने मैं कर रही हूँ। इसके बाद मैंने ब्लश यूज़ किया है। ब्लश मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि ज़्यादा ब्लश हो, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, ब्लश साथ छोड़ देता है हमारा लाइट हो जाता है तो गायब हो जाता है, तो फिर मैंने ब्लश थोड़ा सा मैं ज़्यादा ही लगाने की कोशिश करती हूँ क्लाइंट को। इसके बाद अगर आपको लगता है कि ज़्यादा हो चुका है, तो मैं आपको टेक्निक भी बता रही हूँ इसके लिए कि देखिए कि आप इसको फिर लाइट कैसे कर सकते हैं। अभी तो मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ हल्के हल्के हाथों से, टैबिंग टैबिंग करके ले रही हूँ मैं। इसके बाद मैंने लूज पाउडर यूज़ किया हुआ है गाइस वो ब्लश पे, जिससे कि अगर ब्लश ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है तो वो नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल स्किन टोन में आ जाए। अगर आप ब्लश कभी आपको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा हो चुका है, तो आप उस पर लूज पाउडर लगा दीजिए। इसके बाद मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है फॉरएवर 52 का। फिर नोज पे मैंने हाइलाइटर यूज किया गाइस, फिर आईब्रो बोन पे। अभी आई मेकअप बाकी है मुझे करने के लिए, तो जस्ट मैंने ये एल्फ का प्राइमर लिया हुआ आई मेकअप पे। ये इसीलिए गाइस प्राइमर इसलिए है ना कि जो स्किन ऐसे थोड़ी सी रिंकल्स वाली रहती है आई पे, तो वो नॉर्मल हो जाए, जिससे मेकअप करने के लिए आसानी हो जाए। क्लाइंट का फेस काफ़ी अच्छा था, मतलब फेस फिक्चर्स काफ़ी अच्छे थे गाइस। मेरा ये कहने का मतलब है, फेस अच्छा था मतलब फेस फिक्चर्स काफ़ी अच्छे थे उनके, नोज़ लिप्स और आई तो बहुत अच्छी थी गाइस उनको। मुझे ऐसे आर्टिफिशियल आई लेशेज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, इतनी अच्छी उनकी आई लेशेज थी। मैंने ये ऑरेंज शेड लिया है, ऑरेंज शेड शायद इसमें आपको पिंक दिख रहा है गाइस, पर ये पिंक नहीं है, ऑरेंज शेड है, और इसको सर्कल में घुमा घुमा के लिया है मैंने। ये क्लाइंट ने मुझे कहा कि मैं कभी इतनी अच्छी नहीं लगी थी जब इनका मेकअप हो गया था, तो अच्छा लगा ये सुन के कि मैं किसी को सुंदर बना सकती हूँ। एक्चुअली औरत तो ऑलरेडी सुंदर ही होती है, भगवान ने उनको खूबसूरती बनाया होता है। इसके बाद मैंने क्रीज किया है इन्हें, फुल क्रीज। इसके बाद मैंने इन पे लाइट ऑरेंज शेड मैंने एप्लीकेशन किया है एप्लीकेशन ब्रश से, सॉरी डार्क ऑरेंज शेड मैंने लिया है। इसमें पिंक दिखा रहा है, पता नहीं क्यों। ऑरेंज के साथ में मैंने थोड़ा डार्क पर्पल शेड यूज़ किया है।
इसके बाद मैंने लाइट ऑरेंज शेड यूज़ किया, एप्लीकेशन किया है। अभी ये एप्लीकेशन के बाद मैं इसमें ब्लेंडिंग करूँगी। बट ठीक है, थोड़ा कॉस्टली है, बट कॉस्टली के हिसाब से, जिस हिसाब से प्राइस है उसके हिसाब से मुझे आईलाइनर इतना खास नहीं लगा। ये क्लाइंट को बहुत शौक था कि मेरा कभी मेकअप हो ऐसे, इसने एक बार मुझे कंसल्ट से बातें की थी तो मैंने इनका किया, बहुत खुश हुई थी ये, और मुझे भी अच्छा लगा कि चलो मेरे हाथ में इतना अच्छा आर्ट है कि मैं किसी को खुश कर सकती हूँ। फिर मैंने इनर कॉर्नर पे भी हाईलाइट किया था गाइस। इसके बाद मैं आईब्रो को फिल कर रही हूँ। ये मेरे पास ब्लैक है, पर आप ब्लैक यूज़ मत कीजिए कभी भी, आप ब्राउन शेड ही यूज़ कीजिए। स्विच ब्यूटी का मेरे पास ये आई शेड ये है आईब्रो का, आईब्रो हाईलाइट करने के लिए, जिस आप कभी भी ब्राउन शेड ही यूज़ कीजिए। अभी जो है मैं सोच रही हूँ वही ख़त्म कर लूँ मैं। आई होप आपको मेरा ये मेकअप का टेक्निक पसंद आया हो। मैंने बार बार इस पर मेकअप पे स्प्रे किया है, जिससे कि ये जो भी गर्मी का टाइम है इससे मेकअप आपका स्वेट नहीं हो और ग्रे नहीं हो। तो आप ऐसे मेकअप स्प्रे करके करेंगे
कंसील के बाद, फाउंडेशन के बाद, तो आपका मेकअप परमानेंट अच्छा स्टे करेगा। स्वेट नहीं होगा आपका मेकअप। गाइस मैंने ये पिंक शेड यूज़ किया क्लाइंट को, बट मुझे मैंने बाद में ना लिपस्टिक का कलर चेंज किया, इसी के ऊपर मैंने डार्क ब्राउन शेड यूज़ किया है लिपस्टिक पे, आप देखना। क्लाइंट के लिप्स भी बहुत अच्छे थे, उनकी पिक्चर्स काफ़ी अच्छे थे, बस उनके फेस पे पिगमेंटेशन था। जो थोड़ी सी लिपस्टिक बाहर आई थी तो मैंने उसको कंसील अप कर सकते हो फाउंडेशन लगा के, तो वो नॉर्मल हो जाती है। इसके बाद मैंने मस्करा यूज़ किया है, मैंने आर्टिफिशियल उनको आईलैशेस नहीं लगाए, उनके आईलैशेस वैसे ही बहुत प्यारे नेचुरल आईलैशेस हैं उनके, इतने अच्छे खूबसूरत। इसके बाद मैंने लिप ग्लॉस लगाए हैं इनको, लिप ग्लॉस देख सकते हैं, ये फाइनल रिजल्ट है गाइस मेरा। क्लाइंट ने इतनी महंगी साड़ी भी नहीं पहनी है और नॉर्मल है, इनका शौक था कि मैं कभी ऐसे तैयार हूँ, तो मैंने उनको तैयार किया, और उनका पिगमेंटेशन था ये मेरे लिए चैलेंजिंग था। आई होप गाइस आप सबको अच्छा लगा हो, आप सबका प्यार है मेरे साथ, प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहिए। ये क्लाइंट से मैंने कोई चार्ज नहीं किया है गाइस, मेरे लिए चैलेंजिंग था ये फेस, इसके लिए रेडी किया। दूसरा ये क्लाइंट का शौक था, इन्होंने मुझे कितनी बार ये चीज़ बोली थी कि मेरा शौक है कि मैं कभी मेकअप करूँ, मैं ऐसे तैयार हूँ, ये मेरी क्लाइंट है, आती रहती है मेरे पास, तो मैंने इनको एक दिन ऐसे तैयार किया, बहुत खुश हो गई वो। देखिए आप ये रिज़ल्ट।